ये जो जर्नी है कैंसर की, कीमोथेरेपी की, इट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी. बहुत सारे ये बच्चे हैं जो हॉस्पिटल से कभी घर नहीं जा सकेंगे, तो अगर उनकी लाइफ के कुछ मोमेंट्स में मैं उनको कुछ खुशी प्रोवाइड कर सकती हूँ तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर है. मेरी अम्मी मेहंदी लगाती हैं, तो वो ब्राइड्स को मेहंदी लगाती थी, तो उनको देख देख के मुझे शौक चढ़ा. बस फिर मैं प्रैक्टिस करती रही उनको देख देख के, उनके साथ ब्राइड्स को मेहंदी लगाने जाती थी. यहाँ पे हर गली में मेहंदी वालियाँ हैं. अब आप देखें, वो मेहंदी वाली की टर्म भी इतनी डेरोगेटरी टर्म की तरह कहलाई जाती है, जबकि ये प्रोफेशन एक बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशन है. मैंने अपना एक स्टाइल डेवलप किया, काफ़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइन से उनको इवॉल्व करके काफ़ी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न स्टाइल के डिज़ाइंस बनाए. ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था टोरंटो में, एक हैना हील्स की फाउंडेशन थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था. वो क्या कर रहे थे कि जिन औरतों ने, बच्चों ने अपने बाल लूज कर लिए थे कीमोथेरेपी की वजह से, उनके सर पे वो जो है मेहंदी लगाते हैं, और वो इतने खूबसूरत तरीके से उनको लगाते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने ताज पहना हुआ है, और वो मेहंदी का ताज पहना हुआ है. बच्चों से ज़्यादा उनकी अम्मियाँ ने बोला, नहीं नहीं सर पे मेहंदी कैसे लगेगी, यू नो सर पे तो नहीं लग सकती. बट खैर उनको पिक्चर्स दिखाई, और इस तरह काफ़ी क्यूरियस होते हैं कि कहाँ से आई हूँ मैं, ये क्यों कर रही हूँ. उनको एक्चुअली इतनी कोई खुशी महसूस हो रही होती है कि भाई कोई आके उनके बच्चों के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, उनके साथ यू नो उनको हंसा रहा है, उनके साथ खेल रहा है. इंशाल्लाह तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, हाँ, और घर जाओगी. इन बच्चों के लिए ये एक हीलिंग का प्रोसेस है कि ठीक है उनकी ये बीमारी है, उनका डॉक्टर्स तो जो हील कर रहे हैं वो कर रहे हैं, राइट, बट कोई बाहर का इंसान आके उनको मेहंदी लगा रहा है, उनके लिए ये खुद ही एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट समझ लें आप. अगर कोई बच्ची जिसके बाल चले गए हैं, अब आप जाके अपना आर्ट उसके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके सर को छुपाने की बजाय उसको बोल रहे हैं कि नहीं आप प्राउडली आप जाओ पब्लिक में, उस प्रोसेस के दौरान ही उस बच्चे की पूरे इमोशंस ही चेंज हो जाते हैं. 1 2 3 जोर से हाउस, आप क्या बनाओगे? ठीक है, हॉस्पिटल्स में अगर हम एज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ थेरेपी आर्ट थेरेपी के जरिए भी कर सकते हैं, तो आई थिंक इससे अच्छी चीज़ तो और कोई होगी नहीं. ये एक्सपीरियंस जो है ना, आपकी पूरी लाइफ को पर्सपेक्टिव में डाल देता है. हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, डे टू डे की चीज़ों में इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि द फैक्ट कि हमारे पास सेहत है, और हम वाकई ये नहीं सोचते कि हमसे ज़्यादा भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं. इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके जितनी खुशी मिलती है मेरे लिए, उनको हंसाना या उनके साथ बातें करना और एक्चुअली उनकी हंसी लेना इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड.